Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Start करेंगे हम idiom and phrases का lecture, जहां पर हमने से पहले 10 question complete किए थे जो कि previous year question papers में से लिए गए थे. आज हम continue करेंगे study material tips and tricks के लिए, important topics के लिए, solved papers के लिए आप हमारी website www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे. आज हम idioms और phrases के कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं. उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को जो है फॉलो कीजिए. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. एक idiom दिया गया है, बटरफ्लाइज इन द स्टॉमिक. एक idiom है बटरफ्लाइज इन द स्टॉमिक, तो आपको उसका सही मीनिंग जो है वो चूज करना है. आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बीइंग एक्साइटेड, बीइंग नर्वस, थर्ड ऑप्शन है बीइंग एंग्री, और फोर्थ ऑप्शन है बीइंग एंग्री. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. जिसे भी मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 है, बटरफ्लाइज इन द स्टॉमिक, तो इसका सही मीनिंग क्या होगा. तो इसका सही मीनिंग जो होता है वो होता है नर्वस. क्या होता है? नर्वस. याद रखेंगे, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तब उसके लिए जो है वो यूज किया जाएगा बटरफ्लाइज इन द स्टॉमिक. अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, जैसे कि आई ऑलवेज सीम टू गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टॉमिक बिफोर आई गिव अ इंटरव्यू. तो मैं इंटरव्यू देने से पहले हमेशा जो है नर्वस हो जाता हूं. तो इसी तरीके से आप एक और सेंटेंस इस पे सोचिए, ठीक है. आई होप आपने अपने माइंड में कोई ना कोई सेंटेंस जरूर बनाया होगा. एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, उसका सही आंसर भी देखिए. सही आंसर है बीइंग नर्वस. घबरा जाना को कहते हैं, जो घबरा जाता है उसे कहते हैं बीइंग नर्वस. तो यहां पर जो है कल्प्रिट जो है, ये क्या हो रहा है, द कल्प्रिट जो है वॉज बींग नर्वस इन हिज स्टॉमिक बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट. द कल्प्रिट था वो नर्वस हो गया बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट. तो ये जो है आप याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होगा. एक और idiom और phrase दिया गया है, इसका सही मीनिंग आप बताएंगे. आउट ऑफ वुड्स. आउट ऑफ वुड्स का मीनिंग जो है वो क्या होता है. नीचे मैं चार ऑप्शन आपको दूंगा, नो लॉन्गर इन द ट्रबल, नो लॉन्गर इन द साइट, नो लॉन्गर फेमस, नो लॉन्गर यंग. जिस भी बच्चे को सही ऑप्शन मालूम है वो नीचे कमेंट करेगा. आप हर किसी को जो है ट्राई जरूर करना है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरूर कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 आउट ऑफ वुड्स का सही मीनिंग क्या होगा. चार ऑप्शन है, नो लॉन्गर इन ट्रबल, नो लॉन्गर इन साइट, नो लॉन्गर फेमस. तो क्या होता है आउट ऑफ वुड्स का मीनिंग. सही मीनिंग जो होगा नो लॉन्गर इन ट्रबल, कि अब जो है परेशानी से निकल चुके हैं. आउट ऑफ वुड्स उसके लिए यूज होता है, मतलब मुसीबत में ना होना. तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे नो लॉन्गर इन ट्रबल. तो इसका याद रखेंगे सही मीनिंग, नो लॉन्गर इन ट्रबल, मुसीबत से में ना होना. जैसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ऑल दो डैट सिचुएशन वॉज वेरी टेंस विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड आई वॉज आउट ऑफ वुड्स. कि मैं जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा टेंस थी, लेकिन मैं अपने दोस्त की मदद से जो है उस सिचुएशन से निकल गया. आई वॉज आउट ऑफ वुड्स. आउट ऑफ वुड्स का मतलब होगा नो लॉन्गर इन ट्रबल. स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लॉक स्टॉक एंड बैरल. एक लॉक स्टॉक एंड बैरल. आप देखिए ये क्या है, ये कैसा idiom है. SSC के एग्जामिनेशन में पूछा गया है. आपने गन देखी होगी, कोई भी आप जो है वो गन देखे, उसमें एक लॉक होता है, ठीक है, उसका बैरल होता है और जो है स्टॉक होता है. तो गन जो है लॉक स्टॉक एंड बैरल जो है एक इंपॉर्टेंट idiom है, जिसका मतलब होगा इमीडिएटली, पार्शली, रेयरली और कंप्लीटली. तो सही मीनिंग जो है क्या होने वाला है, एक गन में जो है लॉक होता है, स्टॉक होता है और बैरल होता है. इसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. क्या होगा, इंक्लूड्स एवरीथिंग. और हम इसे ये भी कह सकते हैं, कंप्लीटली भी कह सकते हैं. हम इसे
आल भी कह सकते हैं, मतलब हर चीज जिसमें हो। तो कमेंट में जो है आप सही लिखे क्या होगा, सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा कि कंप्लीटली पूरी तरह से। जैसे कि सेंटेंस है, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करूंगा, कंप्लीट करूंगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि आई विल कंप्लीट दिस VLW कोर्स लॉक स्टॉक एंड बैरल। नेक्स्ट हमारे पास जो है 14 है और है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब क्या होता है? नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन द पिंक ड्रेस होगा, इन द लाइम लाइट होगा, इन अ हैप्पी मूड होगा, इन अ गुड हेल्थ होगा। जो इंसान के लिए हम यूज करते हैं इन अ पिंक, उसके लिए उसका सही मीनिंग क्या होगा? तो सही मीनिंग जो है आप नीचे कमेंट करेंगे कि इसका क्या होगा। इससे पहले कि मैं बताऊं, तो इन द पिंक का सही मीनिंग जो होने वाला है यहां पर, इन द गुड हेल्थ होगा। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? जैसे कि वी होप डेट यू एंड योर फैमिली आर इन पिंक। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी फैमिली जो है अच्छी सेहत में होंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑन टेंटर हुक। टेंटर हुक नहीं होगा, टेंटर हुक्स होता है, एस लगा लीजिए, ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मीनिंग क्या होगा सोचिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनहैप्पी है, एनॉक्शियस है, एंग्री है और हैप्पी है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और आप यहां पर जो है बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि सही जो है वो क्या होने वाला है। ऑन टेंटर हुक्स को और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, एक सेंटेंस इस पे जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है और ऑन टेंटर हुक्स का मीनिंग होता है बेहद परेशान। वो इंसान जो बेहद परेशान होता है, वो इंसान जो बेहद परेशान होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन टेंटर हुक्स। मतलब सही मीनिंग इसका जो है एनॉक्शियस होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ही इज एट टेंटर हुक्स ऑल वीक एज द रिजल्ट मे कम एट एनी टाइम। तो ये जो है ही इज एट टेंटर हुक्स ऑल वीक एज द रिजल्ट मे कम एट एनी टाइम। रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है, इसलिए जो है वो पूरे हफ्ते जो है वो परेशान है, बेहद परेशान है कि क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर का मतलब होता है अटेंशन किसी की तरफ जाहिर करना, ठीक है, और हम कह सकते हैं किसी इंसान को गौर से सुनना, लिसन। ईयर है, ईयर से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं लिसन से रिलेटेड होगा, पे अटेंशन से रिलेटेड होगा। नीचे चार ऑप्शन है, पे अटेंशन टू नॉट मेक ट्रबल, ऑप्शन सी टू फोर्स समवन टू लिसन, एंड ऑप्शन डी टू नॉट टेल समवन समथिंग। सही ऑप्शन को जो है आप सभी जो है नीचे कमेंट करेंगे कि क्या क्वेश्चन होने वाला है। देखिए जो आपके कमेंट होते हैं उससे आपका ये पता चलता है कितने आप एंगेज है, कितने आप लेक्चर्स चाहते हैं, कि तभी जो है दिल करता है आगे कंटिन्यू करने का जब आपका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आए। लैंड एंड ईयर है, इसका मतलब होगा लिसन से, तो पे अटेंशन टू जो है वो सही ऑप्शन होने वाला है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, टू पे अटेंशन टू। अब जैसे जो है हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज लैंड यूर ईयर्स टू द पब्लिक प्लेस अनाउंसमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि एक सेंटेंस में जो है एडियम या कोई फ्रेज दिया गया होता है और हमें उसका मीनिंग देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या? लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का सही मीनिंग क्या होने वाला है? ए थंडर स्टॉर्म एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ए विंडफॉल एंड एमिनस वार्निंग। आपने मूवी भी देखी होगी हॉलीवुड की, बोल्ट। अब देखिए बोल्ट जो है और ब्लू, ब्लू का मीनिंग जो है यहां पर क्लियर स्काई से है, किससे है? क्लियर स्काई से जो है वो मीनिंग होगा ब्लू का। ब्लू का मीनिंग किससे होगा? क्लियर स्काई से होगा। बोल्ट जो है ये इस चीज के लिए यूज किया गया है कि एक आसमान से जो है एक बोल्ट जो है वो गिर रहा है, जैसे कि मूवी में दिखाया है। तो इसमें जो है सही मीनिंग जो है वो क्या होने वाला है यहां पर जो है आप बताएंगे। थंडरस्टॉर्म है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है, विंडफॉल है या एमिनस वार्निंग है।
नीचे जो है आप सभी जो है वो कमेंट करेंगे। तो ये बोल्ट जो है ये लाइटनिंग बोल्ट के लिए यूज किया गया है। तो ये इसका मीनिंग होता है समथिंग डेट यू वुड नॉट एक्सपेक्ट, वो ऐसी चीज जिसके बारे में आपने जो है एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो ऐसी चीज हो जाती है। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन था, हमें ये नहीं पता था कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है कोर्ट स्टे हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड था, बच्चों ने इस बात का तस्वुर नहीं किया था, लेकिन जो है स्टे हो चुका था। तो मतलब परेशान थे सारे, अनएक्सपेक्टेड थे, तो इसके लिए जो है एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर जो है वो सही मीनिंग रहेगा। तो देखिए एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर विदाउट पुरियर नोटिफिकेशन ही लेफ्ट अस, इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट की स्पेलिंग देख लेना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये चेंज कर लेना। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है लाइक दीजिए, नहीं पसंद आती है डिसलाइक दीजिए। वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए, और जो है कमेंट कीजिए को आप जो भी आपको पूछा जाता है फ्रेज उसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आप कोशिश कीजिए सही आंसर देने की। और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। ही किक्ड अप ए रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। देखिए अगर आपको कोई किसी पार्क में जाने से रोकेगा तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर जो है उनसे जो है कंप्लेंट करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे कि हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। इसी तरीके से चार ऑप्शन जो है वो आपके पास दिए गए हैं। क्राइड विद ए सारो, क्या आप रोना शुरू करेंगे, गम मनाएंगे। वेटेड इन अ क्यू, क्या आप लाइन में जो है इंतजार करेंगे जब आपको जाने नहीं देंगे। किक द गार्ड, क्या गार्ड को मारेंगे, या क्रिएटेड अ फस। तो यहां पर सही मीनिंग क्या होगा और सही मीनिंग जो है आप नीचे कमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, क्रिएटेड अ फस करेंगे। मतलब क्या होगा, हम वहां पर एग्रीटेशन करेंगे, हम वहां पर कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेन करेंगे, हम ऑब्जेक्शन करेंगे कि हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पर आप मीनिंग समझ लीजिए, क्रिएटेड अ फस जो होता है इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होगा कंप्लेन करना, इसका मीनिंग हो सकता है एग्रीटेशन करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, पॉलिटिशियन किक्ड अप द रो व्हेन ही वाज नॉट ट्रीटेड लाइक अ स्पेशल गेस्ट। पॉलिटिशियन जो है सपोज किसी मीटिंग में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, बट उन्हें जो है उन्हें जो है स्पेशल गेस्ट जो है वहां पर ट्रीट नहीं किया गया, तो उस तरीके उस वजह से उन्होंने कंप्लेन की, उस वजह से वहां पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो ऐसे सेंटेंस में यूज होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। इट इज अनफॉर्चुनेट डेट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मीनिंग जो है वो क्या होगा? देखिए ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ज्यादातर लोग इस मुल्क के रह रहे हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मीनिंग जो है वो क्या होने वाला है? चार ऑप्शन जो है इसमें से आप चूज करेंगे और नीचे जो है कमेंट करेंगे आपका सही आंसर क्या होगा। क्या यहां पर पहला ऑप्शन होगा हैंड टू माउथ का, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न। बिल्कुल ऐसा ही है, ज्यादातर लोग इस मुल्क के इस तरीके से रह रहे कि जो दिन में कमाते हैं रात में उसे उसका खाना खाते हैं, तो वही कंज्यूम करते हैं जितना वो थोड़ा सा पैसा दिन में कमाते हैं। अपने सेविंग जो है फॉर द फ्यूचर जनरेशन नहीं ठीक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो जो है ऐसा नहीं करते। डूइंग मैनुअल लेबर अर्निंग वेल्थ ही बाय सेल्फिश मीन्स, ऐसी भी ऑप्शन जो है वो इनएक्यूरेट होगा। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नड। बाय दिस जॉब आई कुड ओनली लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, आई शुड डू समथिंग बिग। इस जॉब से जो मैं अभी कर रहा हूं मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं कि जो दिन में कमाता हूं रात में जो उसे खा सकता हूं। आई शुड डू समथिंग बिग, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और अपना लास्ट सेंटेंस देखेंगे। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। तो बताइए इसका सही मीनिंग क्या होने वाला है? इम्प्रिजेंट होने वाला है, सेवरली पनिश्ड होने वाला है, हर्ट इंटेंसली होने वाला है। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक, वॉज कट टू द क्विक, सही ऑप्शन को आप कमेंट करेंगे। मैं आपको बता देता हूं हर्ट इंटेंसली होगा। द पुलिस मैन कट टू द क्विक थीफ एज ही डिड नॉट स्टॉप
इवन आफ्टर द सेवरल वार्निंग्स। तो सही ऑप्शन जो होगा हर्ट इंटेंसली होने वाला है। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर पसंद आती है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई एक डिसलाइक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जो है आपके वैल्यूबल रहते हैं फीडबैक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और यहीं पर आपके लिए एक और रिक्वेस्ट है, वो स्टूडेंट्स जो अभी तक जो है होम एकेडमी के सोशल मीडिया अकाउंट से जो है नहीं जुड़े हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो जरूर जुड़िए। आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम का लुक है और इस पे किस तरीके के पोस्ट आते हैं, आपकी एग्जामिनेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी खेलो इंडिया जो है गेम हो रही है, आप जानते हैं खेलो इंडिया गेम में जो है जम्मू कश्मीर के बीच जो है लड़के ने जो है गोल्ड मेडल जीता है रेसिंग में। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा जेके एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए। अभी मैं खेलो इंडिया का आपको ये दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो है आती है ऐसी चीजें। फिर आप बोलेंगे कि हम करंट अफेयर कहां से पढ़े, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका आना जो है कन्फर्म है कि एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। आप देखते हैं खेलो इंडिया जो है गेम है, इसका मैस्कॉट क्या था, इसका लोगो क्या था, ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसके की पॉइंट जो है नेम ऑफ द मास्कट पूछा गया होगा तो धड़क होगा। अगर स्पोर्ट का सेक्शन आपके उसमें है उसमें भी ये चीजें आएगी। तो इस तरीके के पोस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पे आते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट का पोस्ट नहीं आएगा, कोई भी प्रमोशन का नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूएबल चीजें ही जो है आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड चीजें आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।